मिति का ऑब्जेक्टिव भारतीय भवन जिसमें क्वेश्चन नंबर 90 का देखते हैं। 1 + tan² का फॉर्मूला होता है sec². उसके बाद 1 + cot² का फॉर्मूला होता है cosec². उसके बाद क्या करते हैं, sec² का फॉर्मूला होता है 1/cos a और cos a का फॉर्मूला होता है 1/sin² a। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, आगे में है तो क्या करेंगे, गुणा करेंगे। उसके बाद 1 में साइन से गुणा करेंगे sin² 1 में cos से गुणा करेंगे तो cos² sin/cos क्या हो जाता है tan². अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 92 में दिया हुआ है 1 - tan² π/4 / 1 + tan² π/4। अब इसके बाद क्या करेंगे, 1 - tan² पाई का मान कितना हो जाएगा 180 डिग्री। उसके बाद 1 + tan² पाई का मान 180 डिग्री। अब क्या करेंगे, इसे भाग देंगे 4 × 16 4 × 5 = 20 4 × 16 = 20 1 - tan² 45 / 1 + tan² 45। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 1 का 1 हो जाएगा, माइनस का माइनस होगा, tan² 45 का मान क्या हो जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 + tan² 45 का क्या हो जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर। इसके बाद क्या होगा, 1 का 1 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा 1 + 1 कितना हो जाएगा 0/2 और 0 में 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 96 cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान 1/2 + 1। उसी तरह के cos 60 का मान 1/2 होगा -1। देखिए कोई भी संख्या के बटा में 1 साइलेंट होता है। अब इसके बाद हमको क्या दिखाई दे रहा है, बाटा का ऊपर में जोड़ और बाटा के नीचे जो भी बाटा में है उसको हम लोग क्या करेंगे, घटाव करेंगे, तो 2 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 में 2 से भाग देंगे 1 मरतबे कटेगा और 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा। उसी प्रकार जब 1/1 जब भी रहे जो एलसीएम आएगा वह लिखा जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार 2 और 1 का लघुत्तम हो जाएगा 2 और 2 में 2 से भाग देंगे 1 मतलब कटेगा और 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा। फिर उसी प्रकार 1/1 है तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए दोनों के आधार में 2 है कट जाएगा, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 और 2 में से 1 गया 1 -1 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा -3।